घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। अपन जैसे बात कर रहे थे अभी कल परसों की, जॉन साहब इतना बड़े उम्दा शायर हैं, बहुत कम लोग जानते हैं खैर उनके बारे में। वैसे तो बहुत प्रसिद्धि है उनकी, ऐसा नहीं है कि कम मशहूर हैं, पर वही है ना जो अदब से रिलेटेड हैं, लिटरेचर से रिलेटेड हैं, वही लोग जानते हैं जॉन साहब को। तो अलग शायर हैं थोड़े, जैसे कि मैंने बताया भी था कि थोड़ी अलहदा सोच है, डिफरेंट है ना। मैंने भी ऐसा नहीं कि मैं जॉन साहब में कोई एक्सपर्ट हूँ, बट जितना मैंने पढ़ा है, जाना है उन्हें, तो काफ़ी मुझे डिफरेंट लगा उनका। जो सब लिखते हैं जिस जॉनर से, वो थोड़ा अलग सोच का आदमी है ना, थोड़ी बहुत कड़वी और सच्ची बातें कहते हैं वो, है ना। हमारे क्या पोइट्री में अक्सर ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन है ना, बहुत ब्यूटिफाई करते हैं और खूबसूरत बना के पेश करेंगे और अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, है ना, माशूक माशूका प्यार मोहब्बत शराब, है ना, तो उसमें बहुत अच्छा अच्छा बता के करते हैं, लेकिन उसकी जो कुछ कड़वी सच्चाइयाँ हैं वो नहीं बताते, है ना। तो वो ये बताते हैं, है ना, और ऐसी ऐसी चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि अब ये यहाँ तक की बातें भी बोलते हैं कि अजब हाल है कि अपनी माशूका का नाम तक भूल गए, यूँ, है ना, कि इतना वक्त हो गया तुझे भुलाए कि, वरना तो हम गज़लों में पढ़ते तो यही आता है कि तुझे भूल नहीं पा रहे हैं, तेरी याद सता रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ये सच कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है, हम भूल जाते हैं, निकल जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं, तो ये उस सच को लिखते हैं, है ना। एक इनका बड़ा ही अच्छा शेर है, क्योंकि इनमें गुरूर जो है वो थोड़ा है, गुरूर से लिखते हैं थोड़ा, तो एक शेर बड़ा अच्छा लगता है मुझे। एक बहुत पुराने शायर हैं मीर तकी मीर, है ना, और बहुत बड़े शायर रहे हैं, मतलब गालिब से पहले के शायर हैं वो, जिनको गालिब भी एड्रेस करते हैं, मतलब रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, वरना गालिब को भी ऐसा माना जाता है कि उनमें भी एक अकड़ थी, एक एटीट्यूड था, वो किसी को गांटते नहीं थे, है ना, वो अपने आप को ही वही कि हम ही सबसे बढ़िया शायर हैं, है ना। पर उन्होंने भी लिखा है कि रेख्ता के कहीं तुम ही उस्ताद नहीं गालिब, कहते हैं एक ज़माने में मीर भी कोई था, ये खुद गालिब कहते हैं, है ना। तो सेम ये यहाँ जॉन साहब भी अपने आप को ही कंसिडर करते हैं, तो कहते हैं कि शायर तो दो ही हैं, मीर तकी और मीर जॉन, शायर तो दो ही हैं, मीर तकी और मीर जॉन, बाकी जो हैं वो शामो शहर खैरियत से हैं, सुबह शाम से खैरियत से हैं सब लोग, शायरी तो हम ही लोग कर रहे हैं दोनों। तो ये कुछ उनका अदब है, कुछ स्टाइल है। तो उनकी एक बहुत मशहूर गज़ल है जो जॉन साहब को जिसने सुना है या नहीं भी सुना है, तो ये गज़ल तो कहीं ना कहीं सुनी होगी, कि हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी ही गई। अब यहाँ समझने वाली बात है कि पोइट्री में शौक का मतलब होता है इश्क, है ना, मोहब्बत, शौक मतलब इंटरेस्ट नहीं, है ना, शौक मतलब मोहब्बत, कि मोहब्बत में कुछ नहीं गया, मोहब्बत की जिंदगी चली गई हमारी, और हालत हाल यानी हमारे अभी की हालत की वजह से हमारी अभी की हालत चली गई, हम बर्बाद हो गए, है ना। ऐसा वो कहते हैं कि मलाल नहीं है मुझे इस बात का कि मैंने बर्बाद किया अपने आप को, है ना, वही तो खैर मैं क्या ही बताऊं, बट पाकिस्तान में रहे वो, वैसे थे हमारे यहीं के यूपी के अमरोहा के, और आफ्टर पार्टीशन उनको जाना पड़ा, तो वहाँ पे फिर उन्होंने काफ़ी साल अपने आप को मतलब बंद रखा एक जगह, क्योंकि वो बहुत कुड़ गए थे, और लोग ऐसा उनके वीडियोस देखते हैं ना, तो वो जब शायरी करते हैं तो भाई बाल एक तो लंबे लंबे रखते थे, तो एकदम बाल हिला हिला के और थप्पड़ वप्पड़ मार देते अपने आप को, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड आदमी था ना, क्योंकि तो रोते रोते पढ़ेंगे वो, है ना, तो उनका एक अलग लहजा एक अंदाज था, तो लोग ये समझते हैं यार कोई पागल आदमी, पर ऐसा नहीं है, वो बहुत इल्मदार आदमी था, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, है ना। तो लेकिन वही है ना, फ्रस्ट्रेशन में आदमी जब बंद हो जाता ना, तो फिर ऐसी दिमागी हालत ख़राब हो ही जाती है, ना। तो वही चीज़ लिखी है कि हालत हाल के सबब, सबब यानी कारण, उसकी वजह से हालत हाल ही गई हमारी, अभी की हालत ही चली गई, हम पता नहीं खो गए कहीं ना कहीं। कोशिश करूँगा मैं बीच बीच में कुछ लफ्ज़ आएंगे तो समझाऊँगा, कंपोजिशन तो अभी अब मैंने ही की है, इसकी धुन देने की कोशिश करी है, काफ़ी जॉन साहब से एक रबता है मेरा, मुझे अच्छा लगता है उनकी गज़लें बनाना। तो वैसे ऑडियंस से इंट्रोड्यूस करा दूं मैं, तो तबले पर तो खैर आप जानते ही हैं, हमारे चैनल पर कई बार प्रस्तुति दे चुके हैं, सोलो में भी और हमारे साथ संगत पे भी, अमरजीत भैया हैं।
और आज गिटार पर मेरा दोस्त है, मेरा ही संगीत साथी है, हमने साथ में स्कूल में भी पढ़ाई करी और साथ में हमने संगीत भी सीखा है, ओशीन शर्मा नाम है इनका। तो आगे आने वाले एपिसोड्स में, आगे आने वाले गानों में आप सुनेंगे इनको भी, इनकी भी आवाज़ होगी एंड संगत में भी है ही हैं अभी फ़िलहाल। तो काफ़ी अच्छे गायक हैं, काफ़ी अच्छे हारमोनियम वादक हैं। तो मैं शुरू करता हूँ गज़ल, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। बेसिक अगर इसकी राग कहूं तो बागेश्री है और बाकी थोड़ा मिश्र तो है ही। धनी समग साहब का ही एक शेर है, उससे मैं शुरुआत करता हूँ। इसी गजल का है, क्योंकि काफी लंबी गजल है तो मैं पूरी गा नहीं पाऊंगा, टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो उस हिसाब से मैं एक शेर ऐसे ही प्रस्तुत करता हूँ। एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। हालत है हाल के सब, हालत शौक की जिंदगी गई। हालत है हाल के सब, हालत है हाल की गई। फिराक जाने जा, तेरा फिराक जाने जा, ऐश था क्या मेरे लिए, और फिराक जुदाई होती। और जॉन साहब कह रहे हैं कि तेरा फिराक जाने जा क्या ऐश था मेरे लिए, कौन जुदाई को ऐश समझेगा, ये जॉन साहब है। तेरा फिराक जाने जा, ऐश था क्या मेरे लिए, ऐश था क्या मेरे लिए, याद तेरे फिराक में, याद तेरे फिराक में खूब शराब पी गई। फिराक में खूब शराब पी गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक में कुछ नहीं गया।
शौक की ऑपोजिट है विशाल मिलन तेरे विशाल के लिए अपने कमाल के लिए अपने कमाल के लिए हालत है दिल की थी खराब हालत है दिल की थी खराब और खराब की गई हालत है दिल की थी खराब और खराब की गई शौक में कुछ नहीं गया शौक में कुछ नहीं गया शौक की हासिल है गजल शेर है ये या यूं कहें कि जॉन साहब के जितने अशार हैं जितने शेर हैं उनमें कहीं ना कहीं मेरा बहुत ही बेहद पसंदीदा शेर है ये क्योंकि यार मैं तो क्या ही इसको प्रस्तुत कर पाऊंगा जब जॉन साहब खुद इसको पढ़ते हैं तो जो फ्रस्ट्रेशन है इस शेर में जो दर्द इस शेर में है वो उनकी आवाज में उनके लहजे में दिखता है नाज का है ना नाज यानी कहीं ना कहीं ग्रेस होता है इज्जत होती है नखरे जैसे कहते हैं ना नाज उठाना नखरे उठाना तो उम्मीद है नाज यानी उम्मीद की इज्जत समझ लो तो वो उसकी ऐसी उम्मीद थी हमसे कि और उसका ये मान था हमसे वो ये चाहता था हमसे उसकी उम्मीद है नाज का हमसे ये मान था कि आप हमसे ये मान था कि गुजार दीजिए उम्र गुजार दी गई गुजार दीजिए
शौक की जिंदगी बताया था कि हम अपने माशूक की याद में उम्र भर रहते हैं, है ना। लेकिन ये आदमी है जो भूल भी सकता है, तो ये चीज उन्होंने कही है इस शेर में, सुनिएगा। बाद भी तेरे जाने जा दिल मेरा हा जब समा, दिल मेरा हालत है हाल गई हालत है।